वेलकम बैक टू माई चैनल सेलेस्टियल रूही। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और अभी मौसम चेंज हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्किन केयर का रिव्यू। बेसिकली एक ब्रांड है कॉन्शियस केमिस्ट एंड दिस इज एन इंडियन ब्रांड। इसका मैं रिव्यू लेके आई हूँ, बट इसके रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं इसी तरीके की वीडियोज़ बनाती हूँ, लाइक स्किन केयर हो गया या फिर अफोर्डेबल चीज़ें हो गई, उनका रिव्यू देती हूँ। कुकिंग का भी मेरा जो है वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। तो गाइस प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगी मेरी वीडियोस तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं आपको आज दिखा देती हूँ, मैं आज देने वाली हूँ दो चीज़ों का रिव्यू। वो है कॉन्शियस केमिस्ट का फेस वॉश, और साथ में मैं रिव्यू देने वाली हूँ उसी का फेस मास्क। तो ये इस तरीके से बॉक्स है कॉन्शियस केमिस्ट का, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सो इससे पर्पल कलर की जो है बॉटल है, पैकिंग भी पर्पल है। तो कॉन्शियस केमिस्ट वेरी ब्राइट सूदिंग एंड कामिंग फेस क्लेंजर, इट हैज़ नाइसिनमाइड, नियासिनमाइड या नाइसिनमाइड, व्हाटएवर, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ओट मिल्क। सो इट क्लेम्स दैट इट क्लियर्स, रेस्क्यूज एंड रिकवर। तो अगर किसी को एक्नी है, या फिर किसी को अगर यू नो एक्नी मार्क्स है और थोड़ा सा इरिटेटेड स्किन है, तो गाइज आप डेफिनेटली ये वाला जो यू नो फेस वॉश है ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया है और मैं आपको उसका रिव्यू दे देती हूँ। मेरे हाथ बहुत ड्राई हो रहे थे तो मैंने सोचा क्रीम लगा लेती हूँ। ओके, तो हाँ, तो मेरे ना एक्चुअली मुझे थोड़ा सा वो रहता है कि बार बार क्रीम लगाने का ना, तो एनीवेज मैंने क्रीम लगा ली है, थोड़े से थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वेरी ब्राइट इज डिज़ाइन टू क्लेंज एंड सूद योर स्किन विद इट्स इम्प्रेसिव एक्सफोलिएटिंग एंड इल्यूमिनेटिंग क्वालिटीज, लीव्स योर स्किन इंस्टेंटली फ्रेश एंड वर्क्स ग्रेजुअली टू बूस्ट अपीयरेंस ऑफ स्किन ब्राइटनेस एंड क्लैरिटी। तो इफ यू आर लुकिंग टू ब्राइटन योर स्किन, थोड़ा सा स्क्विकी क्लीन चाहिए, अच्छा सा लो चाहिए, रेडियंस चाहिए, आप डेफिनेटली ये फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। इट हैज़ अ रिच एंड ईजी टू रिंस फोमिंग टेक्स्चर विच डीपली क्लेंजेज एंड रिवाइव योर स्किन रेडियंस इमीजिएटली। सो बहुत ही अच्छा है। मैंने आई थिंक ये दो या तीन बार ही ट्राई करे, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ कि बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर तीन फॉर्मूला में जो चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं। नाइसिनमाइड विजिबली मिनिमाइज पोर्स एंड प्रिवेंट सीबम बिल्डअप, जैसे आपके यहाँ पे सीबम बिल्डअप होती है वो ख़त्म कर देगा ये। ओट मिल्क हेल्प्स टू नरिश डिहाइड्रेटेड एंड इरिटेटेड स्किन, यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है उसके लिए ये बेस्ट है। जैसे मेरी यहाँ से ड्राई होती है तो मेरे को ये अच्छा लगा। बेरी कॉम्प्लेक्स जो है वो फाइट इन एंटीऑक्सीडेंट, फाइट फ्री रेडिकल्स डैमेज। तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है गाइज, और इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो ये आप जो है अच्छा डायरेक्शंस बताई हुई, पंप क्लेंजर इन टू हैंड्स एंड वर्क इन टू लैदर, मसाज इन टू वेट स्किन इन जेंटल सर्कुलर मोशन। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये इस तरीके, कितने ml का प्रोडक्ट है ये, आई थिंक 100 ml है शायद। हाँ, ये 100 ml का प्रोडक्ट है। इस तरीके से इसकी बॉटल है कॉन्शियस केमिस्ट, इस तरीके से पंप जो है आपको मिल जाता है यहाँ पे। मैं आपको ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी दिखा देती हूँ। तो कैसे दिखाऊँ मैं हाथ में, यहाँ दिखा देती हूँ। तो भाई इस तरीके से ये पंप होता है, और इस तरीके की जो कंसिस्टेंसी है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जेली टाइप की थोड़ी सी है, जेली टाइप की, जैसे जैम होता है ना, तो जैम, या फिर आप जब पैनकेक खाते हो तो उसके साथ में आपको बेरी कंपोट मिलता है, या फिर ऐसा जेली टाइप का एक मिलता है, ये उसी तरीके से है। स्मेल्स अमेजिंग, और ये बहुत ही इट्स वेरी नाइस, मतलब एक पंप में आपका फेस प्रॉपर धुल जाएगा। तो गाइज ये वाला जो मैं इसको वाइप कर लेती हूँ, ये जो फेस वॉश है आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आई मीन आई तो लाइक इट वेरी मच, तो मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, मैंने इतना ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। और आपको मैं बता देती हूँ कि आप ये कहाँ से लेंगे, और आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ना इसको खरीदिएगा ब्लिंकिट से, मैंने ब्लिंकिट से ही लिया था, और ये मुझे कुछ पड़ा था 308 रुपये का शायद, और 100 ml प्रोडक्ट है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है गाइज, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा मैं आपको भी बता दूँ। तो अगेन आई एम गोना रिपीट द ब्रांड, इट्स कॉन्शियस केमिस्ट वेरी ब्राइट। एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये, और रेडियंस, आप पहली एक वॉश करोगे ना एकदम से चेहरा आपका चमक उठेगा। तो अगर आप
सॉरी, अगर आप चाहते हैं चेहरा चमकाना तो आप ये वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं, कॉन्शियस केमिस्ट बेरी ब्राइट सूदिंग एंड कामिंग फेस क्लेंजर, इस तरीके से है ये, आप ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका मास्क दिखा देती हूँ गाइज। मास्क जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से कांच की बॉटल है इसकी, बेरी ब्राइट सूदिंग एंड कामिंग फेस मास्क, नाइसिनामाइड एंड बेरी कॉम्प्लेक्स क्लियर रेस्क्यू एंड रिकवर, ठीक है। और इसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट लिखे हैं तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। लेकिन आपने क्या करना है, अपनी स्किन को पहले एक बार ही हल्का सा वॉश दे लें, ऐसे नहीं कि क्रीम लगी हुई और आपने उसी पे मास्क लगा लिया। नहीं, ऐसे मत करिएगा वरना मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आपने क्या करना है, पहले आपने अपनी जो स्किन है, फेस है, उसको एक बार क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद में इसके साथ में ना एक ब्रश भी आता है, वो मैंने सुबह यूज़ किया था तो वो ब्रश मैंने कोने में रख दिया है। बहुत ही क्यूट सा छोटा सा ब्रश है और उस पर कॉन्शियस केमिस्ट लिखा हुआ है, इट्स ए वेरी नाइस फेस पैक ब्रश। तो इस तरीके से ये बॉटल है और ये जो है ना मैंने लगाया था, इसको आप 8 से 10 मिनट ही लगाएंगे, 8 से 10 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं वरना आपकी स्किन जो है इरिटेट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर ना इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है सब मेंशन किया हुआ है, सेंटेला है इसके अंदर जो कि बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए, ठीक है। और बेरीज है, तो बेरीज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नाइसिनामाइड, तो ऑब्वियसली बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। और आप जब इसको लगाएंगे ना, तो आपको जब आप वॉश करेंगे अपना फेस, वॉश ना एकदम से ऐसे होता नहीं है, ऐसे अपने मास्क लगाया हुआ है और बहुत ही थिनली लगाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ये बॉटल जो है खुलती है, ऊपर से दे हैव गिवन वन मोर लिड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। इस तरीके से देखो, ये जेली टाइप का ही ये प्रोडक्ट है और ये मैंने आज दूसरी बार यूज़ किया है, तो मैं आपको ना इसकी भी कंसिस्टेंसी जो है दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है मास्क ऐसे लेना है ब्रश पे और ऐसे लगाना है गाइज। इसको ज़्यादा पोतना नहीं है कि आपने भर लिया है, भरना नहीं है, जस्ट टेक अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर, लाइक थोड़ा सा लेना है इस तरीके से। आपने ब्रश से ले लो, ब्रश तो मिलता ही है इसके साथ में, तो आपने ऐसे लगाना है एंड देन यू जस्ट लाइक स्प्रेड इट इवनली। मतलब इसको ना ऐसा मोटा मोटा नहीं लगाना है, वेरी नाइसली यू कैन जस्ट पुट ऑन योर स्किन। और 8 से 10 मिनट से ज़्यादा मत लगाइएगा प्लीज़। और इसकी पैकिंग के ऊपर ये भी मैंशन किया हुआ है कि वेन यू यूज़ दिस प्रोडक्ट, इसके बाद में कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिएगा जो कि जिसमें एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स हों, जैसे होते हैं ना एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स, जैसे कोई केमिकल पील टाइप की कोई भी चीज़ ऐसे मत यूज़ कीजिएगा जिससे इरिटेशन आपको हो। आप ये लगा लें, देखो इस पर शायद लिखा भी होगा, हाँ इस पर लिखा है डू नॉट लीव वन, ओके लिखा हुआ है Do not leave on for more than 10 minutes and avoid using other acid-based products and retinoids for 12 hours. तो आप समझ गए, आपने इसके साथ में कोई भी ऐसी एक्टिव इंग्रेडिएंट बाद में नहीं यूज़ करना है। तो बहुत ही अच्छा क्रीम है और मुझे तो बहुत मज़ा आया है इसको यूज़ करके, क्लेंजर को। और गाइस बहुत ही अच्छा था, इससे चेहरा एकदम से क्लीन हुआ मेरा। सुबह मैंने लगाया था इसको, 10 मिनट ही रखा मैंने, उसके बाद मैंने वॉश किया, उसके बाद मैंने नॉर्मल क्रीम लगा ली। तो गाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं लेने के लिए, कॉन्शियस केमिस्ट का ये फेशियल क्लेंजर और कॉन्शियस केमिस्ट का ये फेस मास्क, इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग। और ऊपर से इंडियन ब्रांड है तो आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो बाय इट। और ये 308 रुपये कुछ का था और ये भी कुछ 300 रुपये की रेंज में था। तो गाइज आप डेफिनेटली लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है ब्यूटी रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। और अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार के साथ में एंजॉय कीजिए। लॉट्स ऑफ लव, सेलेस्टियल रूही, बाय।